कोरबा जिले के पंप हाउस कॉलोनी में दिन दहाड़े शनिवार को युवती की नुकीले हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई। डायल 112 की टीम घर में खून से लथपथ पड़ी युवती को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला सीएसईबी पुलिस चौकी का है। आरोपी ने घर में घुसकर 18 बार उसके शरीर में वार किए। माना जा रहा है कि युवती के शरीर में चाकू से हमला किया गया है। पुलिस की जांच के दौरान कमरे में अव्यवस्थित हालत में युवती के कपड़े और आपत्तिजनक सामान भी मिले, जिसमें प्रेम पतन में हत्या की आशंका बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर अंधे कत्ल की गोष्ठी को सुलझाने में जुट गई है। सीएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि पंप हाउस कॉलोनी के आवास क्रमांक M271 में बुधराम पन्ना अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी डीएवी स्कूल में आया का काम करती है। शनिवार को स्कूल में एनुअल फंक्शन था, जिसके लिए मां अपने 18 साल के बेटे नितेश के साथ सुबह जल्दी ही चली गई थी। वहीं बुधराम पन्ना मजदूरी करता है, वो भी अपने काम पर निकल गया था। घर में 20 साल की बेटी नील कुसुम पन्ना अकेली थी। माँ को स्कूल छोड़कर जब बेटा नितेश 11 बजे घर पहुंचा, तो सामने का जालीदार दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो नितेश घर के पीछे से पहुंचा। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। वो वहां से अंदर घुसा तो कमरे में बहन की लाश पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे के ऊपर तकिया रखा हुआ था। भाई ने तुरंत अपने पिता को कॉल कर घटना की जानकारी दी। पिता बुधराम तुरंत घर पहुंचे और बेटी के शव को देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, सारे सैंपल ले लिए, सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है। जिस तरह से कमरे में आपत्तिजनक सामान पाए गए, उसे साफ लग रहा है कि कोई युवक युवती से मिलने के लिए आया था, तभी ये नहीं पता चल सका कि युवक कौन था या क्या मामला था। घर वालों को भी बेटी के किसी प्रेम पतन की जानकारी नहीं है। फिलहाल परिजनों और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया गया है। सीएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि युवती के गर्दन, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में किसी नुकीले हथियार से 18 बार वार किए गए। हत्या में इस्तेमाल हथियार घटना स्थल पर नहीं मिला, इसलिए ये कहा पाना मुश्किल है कि किस चीज से हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजहों का चल तक खुलासा हो सके। फिलहाल अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है? नितेश पन्ना। हमारे पिताजी का क्या नाम है? बुधराम पन्ना। जिनकी मृत हुई उनका क्या नाम? नीलकुसुम पन्ना। जब सुबह आप आए थे, क्या होते थे? सुबह मैं लेट से आया, मैं दरवाज़ा खटखटाया, सामने से आया, नहीं खुला दरवाज़ा, ये जाली बंद था, तो कहीं पीछे साइड होगी बोली मैं। फिर पीछे नहीं खुला, तो फिर मैं यहाँ दूध देने आती है दही, तो वो भी यहाँ पर थी, तो दीदी अंदर है बोला, दरवाज़ा खुलेगा तो लाता हूँ बर्तन बोला मैं, तो थोड़ी देर में आती हूँ बोली, उधर से घूम के बोली। फिर नहीं खुल रहा था, पीछे से घूम के गया, फिर पीछे वाला दरवाज़ा उठाया था और धक्का दिया, फिर अंदर घूमा, अंदर घुसा, देखा नीचे वही दीदी। बॉडी पे खून था, चेहरा ऐसा, इस साइड लेटा था, हाथ ऐसे पूरा अकड़ गया था, शरीर ठंडा था, चेहरे के ऊपर तकिया था। किसी से कोई विवाद या ऐसा कुछ? विवाद नहीं, मतलब था एक लड़का, मतलब परेशान करता था, सिस्ती बस में पहले कंडक्टर करता था, फिर बाहर काम करने चला गया था, सहबान खान। कब से परिचय उनका, आप क्या आपके परिचित? जब से दीदी मदनपुर में स्कूल में पढ़ने जा रही थी, तो उसी बस से आना जाना कर रही थी, तब से मतलब कुछ दिनों से फिर बात उसका शुरू हुआ उस लड़के से। क्या मामला है? हाँ, ये पंप हाउस में अभी पता चला कि 20 वर्षीय एक महिला का देहांत हुआ है, जिसपे हम लोग की टीम पूरी आई हुई है। देखिए, प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जाँच चल रही है। घर में अकेले नहीं, जैसे घर में देखने में मिल रहा है कि एक लड़का आया हुआ है और उसके कुछ सामान घर पे पड़े हुए हैं, तो वही लड़का होगा और संभवतः उसका प्रेमी हो सकता है। सर, घटना के दौरान कौन था घर में? मृतिका के अलावा घटना के दौरान कोई नहीं था। उनके पिताजी और माताजी प्राइवेट कुछ काम करती हैं, वो घर के बाहर में थी, और उनका भाई कहीं बाहर गया हुआ था। जब भाई आके देखा तो वो बेड में अचेत पड़ी हुई थी।